वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाई फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। नान खटाई तो आपने ज़रूर टेस्ट की होगी, पर नान खटाई की रेसिपी शायद ही आपने कभी घर पे ट्राई किया होगा। नान खटाई के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे ही हमारे किचन में होते हैं, कुछ भी हमें बाहर से नहीं लाना होता है। बहुत इजी रेसिपी है, जितना देखने में ये ट्रिकी लगती है उतनी ट्रिकी होती नहीं है। केवल 20 मिनट में बनके ये नान खटाई तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम डिलीशियस और मुँह में घुल जाने वाली। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस रेसिपी को। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम घी। और फ्रेंड्स, जो आप घी लेंगे वो थोड़ा सा इस तरीके से जमा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है तो घी बहुत मेल्टेड होता है। तो आप क्या करेंगे नान खटाई बनाने के लिए, सबसे पहले घी को थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद उसे यूज़ करिए। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है घी और आधा कप डालूंगी मैं इसमें शुगर पाउडर, यानी चीनी पीस के आप इसमें ऐड कर दीजिए आधा कप। अगर आपको नान खटाई ज़्यादा मीठी चाहिए तो आप मीठा इसमें बढ़ा सकते हैं। अब हमें शुगर और घी को बहुत अच्छे से बीट करना है, तब तक जब तक ये बहुत अच्छे से फॉर्मी टेक्सचर में ना आ जाए। देखिए, यहाँ पर आप अपने बच्चों की या बड़ों की किसी की भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। नान खटाई का जो मेन प्रोसेस है वो यहीं पर होता है। आगे नान खटाई बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस बहुत अच्छे से कर दिया तो यकीन मानिए एकदम बढ़िया और मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये फॉर्मी टेक्सचर में ना आ जाए। तो कम से कम इसमें हमें टाइम देना है यहाँ पर 8 से 10 मिनट का। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये टेक्सचर आप देख सकते हैं एकदम फॉर्मी टेक्सचर में आ गया है। जब मिक्सचर इस तरीके से फॉर्मी टेक्सचर में आ जाए तो इसके बाद डालेंगे हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। तो लेंगे छन्नी और इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर 1 कप मैदा। उसके बाद डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच बेसन और उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच सूजी। सूजी से बहुत ही बढ़िया क्रंची हमारे नान खटाई बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर रेशियो हमें यही रखना है। आधी छोटी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और अब डालेंगे हम इसमें चुटकी भर नमक। और जो मीठापन होता है नान खटाई का उसको बैलेंस करता है ये नमक, बिल्कुल चुटकी भर। और अब हम इसको छान लेंगे। नमक से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, आप डालिएगा ज़रूर। और बस अब हम इसे गूंथ लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे गूंथना है, बहुत इजी होता है। आप रोटी का डो लगाते होंगे उससे भी आसान है इसे गूंथना। तो बस इस तरीके से मैंने इसे गूंथ लिया है और अब हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का ये टेक्सचर निकल के आया है। तो ये देखिए, फटाफट से हमने इसका डो लगा दिया है। देखिए, अगर आपको लगता है कि डो हमारा हार्ड है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिए। इसमें पानी या दूध का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसे हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं और इसे एक साइड रख लेते हैं। अब फटाफट से हम बेकिंग ट्रे को तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर डालेंगे हम बटर पेपर, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें यहाँ पर नान खटाई रखनी है। तो बस रेडी है हमारी यहाँ पर बेकिंग ट्रे और बस अब हम मीडियम साइज की नान खटाई तैयार करते हैं। तो बस जिस तरीके से आप रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है, और हल्का सा बीच में पुश कर देंगे क्योंकि हम इसके ऊपर अभी गार्निशिंग के लिए लगाएंगे ड्राई फ्रूट्स, तो थोड़ा सा वो उसमें सेट हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से फटाफट से मैंने यहाँ पर नान खटाई बना के तैयार कर ली है और सारी नान खटाई हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये रेडी हो गई हमारी सारी नान खटाई और इसको हम गार्निश कर लेते हैं पिस्ता और बादाम से, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और होते तो ये हैं ही बहुत अच्छे। तो बस ये देखिए यहाँ पर, तो बस यहाँ पर ट्रे हमारी रेडी है बेक होने के लिए। और अब चलते हैं हम इसको बेक करने की तरफ। क्योंकि हम नान खटाई बना रहे हैं माइक्रोवेव में, तो इसके लिए सबसे पहले हमें माइक्रोवेव को प्रीहीट करना होगा। तो मैंने अपना माइक्रोवेव 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। लोअर रैक रखनी है, उसके ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर ट्रे और डोर को कर देंगे हम यहाँ पर बंद।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लोअर रैक ही रखना है, क्योंकि नान खटाई बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होती हैं। तो 160 का हमें टेम्परेचर सेट करना है, ध्यान रखिएगा, और 20 मिनट का टाइम हम लगाएंगे और 20 मिनट में हमारी नान खटाई बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे जा सकता है, क्योंकि हर एक के माइक्रोवेव का टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये रिक्वेस्टेड रेसिपी है। अगर आपको भी कोई स्पेशल रेसिपी देखनी है माइक्रोवेव से रिलेटेड, या किसी भी फंक्शन के लिए जानना है कि किस तरीके से उसे ऑपरेट किया जाता है, कोई क्वायरी है या कोई भी प्रॉब्लम आपको माइक्रोवेव से रिलेटेड है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी और आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। तो ये देखिए, बातों ही बातों में टाइम भी पूरा हो चुका है, निकाल लेते हैं हम नान खटाई बाहर। देखिए, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ट्रे बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि नान खटाई बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होती है, नहीं तो ये ओवर बेक हो जाएगी अंदर रखे रखे। तो तुरंत हम ट्रे को निकाल लेंगे, जब नान खटाई थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो बस नान खटाई हमारी ठंडी हो गई है, तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये नीचे से भी बहुत अच्छे से बेक हुई है और ऊपर से भी बहुत बढ़िया क्रैक आए हैं। देखिए, क्रैक ही पहचान होती है नान खटाई की, जितने बढ़िया क्रैक होंगे नान खटाई में उतनी ही बढ़िया अच्छे से बेक होगी हमारी नान खटाई। अगर क्रैक कम है या नहीं है तो इसका मतलब ये है कि नान खटाई को थोड़ा सा वक्त चाहिए और बेक होने में। जब ये गर्म गर्म होती है तो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ठंडे होने के बाद, फिर ये ठीक हो जाती है। तो बस ये देखिए, फटाफट से हमने यहाँ पर केवल 20 से 25 मिनट का टाइम हमें टोटल लगा, 5 मिनट की प्रिपरेशन और 20 मिनट बेकिंग टाइम। तो देखा आपने, 25 मिनट में हमारी यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस और यमी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई बनके तैयार हुई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट अंदर से है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। वाकई इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, एक बार इसे ट्राई करना तो बनता है। मैं तो हर दिवाली या होली, कोई भी फेस्टिवल हो, मैं बनाती हूँ। मेरे बच्चों को ये ऑल टाइम पसंद आती है और मैं इनको बना के स्टोर करके रखती हूँ, ताकि जब भी बच्चों का मन करे तब इसको इंजॉय कर सकते हैं। सारे रूल्स और टिप्स इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा और उसके बाद एक बार नान खटाई बना कर तो देखिए, बहुत ही बढ़िया बनती है। उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।